नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं करूंगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और इसलिए यहां पर मैंने टू आर कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन किया है इसका ये अर्थ है कि जो एक कैंडल है ये कैंडल टू आर को रिप्रेजेंट करती है तो दोस्तों ये चार्ट हम तभी यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना रहता है तो दोस्तों चलिए आज का शॉर्ट टर्म एनालिसिस शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं इस शेयर में इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पर जो फोर नाइन्टी का लेवल है ये लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इस शेयर ने पहले भी इस शेयर ने इस जोन में सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई थी वापस इस शेयर ने इधर सपोर्ट लिया पर उसके बाद इस शेयर ने जैसे इस सपोर्ट को तोड़ा तो एक गिरावट आई और अभी भी आप देखो दोस्तों इस शेयर ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था तो यहाँ पर जो 490 का लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस शेयर में फोर का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो या इस जोन में इधर इस शहर ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक रिकवरी दिखाई थी तो यहाँ पर 490 और 460 दोनों लेवल्स एक स्ट्रांग और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं

इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पर 520 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा इस स्टॉक में अगर हम लगाते इस शेयर में इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स को तो यहां पर एम और आर दोनों इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एम ए सी डी इंडिकेटर है उसमें हमें लगातार बुलिश हिस्टोग्राम जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आप देखो ग्रीन कलर के हिस्टोग्राम जनरेट हो रहे हैं इसका यह अर्थ है कि एम ए सी डी इंडिकेटर बुलिश है दोस्तों अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं तो आर एस आई भी अभी सिक्सटी के इधर आ गया है यहाँ पर लगातार रिकवरी के बाद आर एस आई भी पॉजिटिव है तो दोस्तों दोनों टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश दिखाई दे रहे हैं अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 520 का लेवल ब्रेक करता है, तो उसके बाद इस शेयर में हमें शानदार तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद दोस्तों ये शेयर 575 सेवेंटी तक आराम से जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले भी जब इस शेयर ने इस लेवल को ब्रेक किया था तो उसके बाद यह शेयर इस लेवल तक आराम से से पहुंच गया था तो यहाँ पर 575 का हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहने वाला है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में पर दोस्तों अगर ये शेयर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पर वापस गिरावट आएगी और यह शेयर वापस 490 तक आ जाएगा तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही ऐसे ही शॉर्ट टर्म वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो था इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है धन्यवाद